दोस्तों, जब से आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक में बैन लगाया उसके बाद से पेटीएम एप्लीकेशन में चार ऐसे बैंक जो टाई अप किए हैं, जिसमें पहला बैंक है यस बैंक, दूसरा है एसबीआई बैंक, तीसरा है एक्सिस बैंक और चौथा है एचडीएफसी बैंक। यानी कि पेटीएम एप्लीकेशन में चार बैंक जो है टाई अप किए हैं। लेकिन पहले से अगर आप पेटीएम एप्लीकेशन यूज करते थे तो पेटीएम का यूपीआई हैंडल था @paytm। लेकिन अगर आपका अकाउंट यस बैंक में है तो अब आपका यूपीआई हैंडल हो जाएगा आपका मोबाइल नंबर @paytm। अगर आपका अकाउंट SBI में है तो आपका UPI हैंडल हो जाएगा आपका मोबाइल नंबर @paytm SBI। अगर आपका एक्सिस बैंक में अकाउंट है तो आपका UPI हैंडल हो जाएगा आपका मोबाइल नंबर @paytm SBI। अगर आपका अकाउंट जो है HDFC में है तो आपका मोबाइल नंबर हो जाएगा और PT हो जाएगा और HDFC हो जाएगा। तो अगर आप चाहें तो इसमें एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे हमारा अकाउंट SBI में है तो अगर हम चाहे तो अपने UPI हैंडल को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो जैसे पहले था हमारा पेटीएम, लेकिन अब एक्टिवेट करने के बाद में @paytm SBI हो जाएगा हमारा UPI हैंडल। तो इस वीडियो में आपको लाइव दिखाऊंगा कि आप पेटीएम एप्लीकेशन में अपने UPI हैंडल को आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। UPI हैंडल को एक्टिवेट करने के लिए मैं यहाँ पे पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन कर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं बायोमेट्रिक से इसमें लॉग इन हो जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और आपको नीचे स्क्रॉल करना है तो आपके सामने यहाँ पे दिखाई देगा UPI एंड पेमेंट सेटिंग। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पे दिखाई देगा आपका UPI ID और जो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे @paytm है। तो अगर आप यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे अगर आपका अकाउंट यस बैंक में है तो आपका UPI हैंडल हो जाएगा। अगर आप इसको चाहे तो एक्टिवेट करना चाहते हैं एक्टिवेट कर सकते हैं। तो हमारा SBI में है तो मैं इसको एक्टिवेट करने वाला हूँ। तो जैसे हमारा मोबाइल नंबर @paytm SBI है तो यहाँ पे मैं एक्टिवेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई मोबाइल नंबर, आपको यहाँ पे प्रोसीड टू सेंड SMS वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आपके मोबाइल नंबर को वेरीफाई किया जा रहा है और आप देख सकते हैं एक्टिवेटिंग पर जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्टिवेशन सक्सेसफुल हो गया है। यानी कि हमारा UPI हैंडल जो है एक्टिवेट हो गया। डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पे @paytm SBI है। पहले यहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर नेम और @paytm था, लेकिन यहाँ पे हमारा एक्टिवेट हो गया है। यानी कि अब हमारा UPI हैंडल हमारा मोबाइल नंबर @paytm SBI हो गया है। तो दोस्तों, इस तरह से आप जो है पेटीएम एप्लीकेशन में UPI हैंडल को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों को वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए।